राजीव, आज तो शॉपिंग करके मजा ही आ गया। और आपको पता है मॉल के अंदर आज सेल लगी हुई थी, और ये देखो मैं ढेर सारी शॉपिंग करके आई हूँ आज। डॉली, ये सेल तो आए दिन लगती रहती है, तुम्हें इतनी क्या जरूरत थी शॉपिंग करने की? जितनी जरूरत हो उतनी शॉपिंग किया करो। ओह एक्सक्यूज मी राजीव, मैं कोई जरूरत के लिए शॉपिंग नहीं करती हूँ। शॉपिंग करना मेरी हॉबी है, और शॉपिंग करके ना मुझे खुशी मिलती है। हाँ ठीक है डॉली, माना आपको शॉपिंग करके खुशी मिलती है, लेकिन थोड़ा ना फ्यूचर का भी सोचा करो। लाइफ में ना सेविंग बहुत जरूरी होती है। राजीव आपको हो क्या गया, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपको बता देती हूँ, मैं ना आज के जमाने की लड़की हूँ और आज मैं जीती हूँ। ये सेविंग वेविंग के चक्कर में ना मैं अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगी, और वैसे मैं खुद कमाती हूँ। माना डॉली आप कमाती हो और आपकी अच्छी सैलरी भी है, लेकिन डॉली सेविंग के नाम पर ना कुछ भी नहीं है आपके पास। क्या मतलब मेरे पास सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं है? तो राजीव मैं आपको बता दूं, अच्छा लाइफस्टाइल भी ना सेविंग ही कहलाता है। अच्छी जगह रह रहे हैं, अच्छा पैन उड़ रहे हैं, और गाड़ी है हमारे पास। इन सब चीजों की वजह से हम चार लोगों में अपना स्टैंडर्ड दिखा तो सकते हैं। ऐसे दिखावे के स्टैंडर्ड का क्या करना डॉली, आज अपना घर होने के बावजूद सिर्फ तुम्हारी जिद के कारण इस सोसाइटी के फ्लैट में रेंट पर रह रहे हैं डॉली हम। रेंट पे रहने से क्या मतलब है राजीव, एटलीस्ट हम सोसाइटी के फ्लैट में तो रह रहे हैं, अपनी इमेज भी तो एक चीज होती है राजीव। पहले तो राजीव मुझे अपने घर का एड्रेस बताने में भी शर्म आती थी अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि हम बेकार से एरिया में रहते थे। लेकिन अब तो मैं बड़े शान से अपने फ्रेंड्स को बताती हूँ कि हम पॉश एरिया में सोसाइटी के फ्लैट में रहते हैं। डॉली तुम्हारे इस फ्लैट में रहने के लिए ना मुझे हर महीने 25,000 रुपए किराया देना पड़ता है, और जब हम अपने घर में रहते थे ना तो यही 25,000 रुपए बचते थे और यही सेविंग होती थी हमारी। अरे क्या यार राजीव, आप क्या सेविंग करते रहते हो, आज में जियो कल का क्या पता। राजीव मैंने आज वॉशिंग मशीन ऑर्डर कर दी है, पूरे 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था। अरे डॉली क्या जरूरत थी फालतू खर्चा करने की, हमारी वॉशिंग मशीन ठीक तो चल रही है। ठीक चलने से मतलब क्या है राजीव, हमारी मशीन ना आउटडेटेड हो गई थी, ये देखो एकदम लेटेस्ट मॉडल है और अभी लॉन्च हुई है। डॉली ये लेटेस्ट मॉडल ना आते जाते रहते हैं, तुमने इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा फालतू पैसा उड़ाती हो। डॉली मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, लाइफ में सेविंग करना ना बहुत जरूरी है। क्या राजीव मैं ना थक चुकी हूँ आपके मुंह से सेविंग सुनते हुए। आपकी सैलरी तो पूरे घर के खर्चों में निकल जाती है, अब मैं अपनी जिंदगी जीती हूँ तो आप मुझे भी खर्चे नहीं करने देते हो। डॉली मैं कोई आपको खर्चे करने से नहीं रोकता हूँ, बल्कि मैं सिर्फ आपको फालतू के खर्चे करने से रोकता हूँ। डॉली लाइफ में ना सेविंग बहुत जरूरी है, क्योंकि बुरा वक्त ना कभी बता के नहीं आता, इसलिए प्लीज थोड़ी सेविंग किया करो। ऐसा है राजीव, जब बुरा वक्त आना होगा ना तो तब की तब देखी जाएगी, और ये अपना ना सेविंग का लेक्चर अपने पास ही संभाल के रखो, आपसे ना वैसे बात करनी ही बेकार है। हाँ बहन, अगर 6 तारीख तक हमने 5 लाख रुपए बैंक वालों को नहीं दिए ना, तो बैंक वाले हमारा घर नीलाम कर देंगे। क्या भाई बैंक वाले घर नीलाम कर देंगे, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पापा को भी बहुत टेंशन हो रखी है, और बहन कहीं से भी पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा। भाई मेरे पास भी कोई सेविंग नहीं है, नहीं तो मैं ही तुम्हारी मदद कर देती। बहन मुझे आज पता चला कि सेविंग करना कितना जरूरी होता है, लेकिन मैंने अपनी मौज मस्ती के चक्कर में बिल्कुल भी सेविंग नहीं की। चल बहन मैं रखता हूँ फोन। ठीक है भाई। राजीव आप बिल्कुल सही कहते थे कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, आज मुझे पता चला है कि जिंदगी में सेविंग करनी कितनी जरूरी है।